जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष कुमार पांडे ने तिवारीपुर स्थित मदरसे का सर्वे किया, जिसके संबंध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष कुमार पांडे ने बताया कि शासन के पास कोई भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जानकारी नहीं थी कि कितने बिना मान्यता के प्रदेश में मदरसे चल रहे हैं, जिसको देखते हुए शासन द्वारा निर्देश जारी किया गया कि सभी मदरसों का सर्वे किया जाए, जिसको देखते हुए शनिवार को मदरसे का सर्वे किया गया है, जिसमें कुल 200 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह मदरसा चंदे द्वारा संचालित किया जा रहा है, भवन खुद का है लेकिन मान्यता नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नूरुल खान, मोहम्मद आसिफ लारीब तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष कुमार पांडे ने कहा, बाहरी आदमी है, जैसे दिल्ली का हो कोई लोग चंदा देते हैं ऑफिस से होता है, कभी घट जाता कभी बढ़ भी जाता है। जैसे कोई दिया आज 500 तो दो महीना नहीं दिया, फिर 4 महीने के बाद इकट्ठे दिया। हिंदी, इंग्लिश, कुरान, दीनियात ये सब पढ़ाया जाता है, और उर्दू कब से पढ़ रहे हैं आप? 2 सालों के। पढ़ाई अच्छी होती है जी? ला रहे जी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, उर्दू मैथ, कुरान शरीफ। कितने टीचर हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? उर्दू, कुरान शरीफ और मैथ, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी। मेरा नाम नूरुल हक। यहाँ पे बच्चों को सुबह हिफ्ज़ पढ़ाई जाती है, कुरान करीम तालीम दी जाती है, और उसके अलावा जो है असरी तालीम जो है हिंदी, अंग्रेज़ी भी, मैथ तालीम भी दी जाती है। कितने बच्चे यहाँ पर? कुल यहाँ पर 200 बच्चे, और पढ़ाने वाले जो है 10 लोग हैं जी। कितने सालों से यह चल रहा है? लगभग जो हम समझ रहे हैं कि पैसे तो चल रहा था, मकतब जो है 2005-06 से चल रहा है, तो बकिया जो है जो रजिस्टर्ड हुआ है तो अभी अप्रैल से हुआ है। हम लोग के पास ऐसा कोई भी डाटाबेस नहीं था जिसमें गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या, उसका विवरण, इस तरह की सूचनाएं नहीं थी। तो इस सब को देखते हुए शासन द्वारा निर्देश के क्रम में एक निर्धारित बिंदुओं पर सर्वे किया जा रहा है, जिसमें गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का विवरण इकट्ठा किया जा रहा है। हम लोग आज उसी क्रम में यहाँ पर मदरसे पर आए, और यहाँ जो इंतजामिया कमेटी है उनका विवरण, जो आय के स्रोत है, उन सब का विवरण इकट्ठा करके एक सूचना तैयार किए हैं, और ये सूचना संकलित करके हम लोग अपर जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को अवगत कराएंगे। मदरसा स्वयं के चंदे द्वारा ही संचालित किया हुआ पाया जा रहा है, भवन इनका अपना है, और बच्चों की संख्या भी यहाँ पे 200 ठीक ठाक की संख्या है, भवन और साफ सफाई तो ठीक है लेकिन मान्यता इनकी नहीं है, शेष सभी।